मैम दास कलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड और जो कीटोन है उससे जो भी जानकारी है, चाहे गुण हो, बनाने की विधि हो, रासायनिक गुण हो, या जो भी उससे रिलेटेड है, वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है भी आपके बोर्ड क्लास में, क्योंकि सीजी बोर्ड में आपका जो इस लेसन से बात करें, 6 नंबर का क्वेश्चन इस साल कर रहा है, मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहा है। तो वो हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं। आगे हमको जो तीसरा जो खंड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये वाला पढ़ना है। यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन फंस सकता है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है? तो जिसमें वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग शो करते हैं C OH से। किससे? C OH से। ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक समूह है, एक क्रियात्मक समूह है C OH जो है। तो जिसमें यह पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें C OH समूह उपस्थित हो, वो सब क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। परिभाषा इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक ऐसा करके लिख सकते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें C OH समूह क्या रहता है आपका, उपस्थित रहता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये सिंपल सा परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें C OH समूह क्या रहता है, जब उपस्थित रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, है ना। कोई भी हो, उस पर जैसे ही C OH दिखे आपको, वही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो परिभाषा में ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर इसको हम लोग बांट देते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखे हैं, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, C OH इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा क्या होता है, इसमें कार्बोनिल समूह रहता है एक, और एक हमारा हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है, पाया जाता है। इसमें 2 समूह पाया जाता है बोल सकते हैं, कार्बोनिल भी पाया जाता है और आपका जो हाइड्रोक्सिल है ये भी क्या है आपका, उपस्थित है। इतना को बोलते हैं कार्बोनिल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, पहले परिभाषा आपको पता होना चाहिए था। हमने परिभाषा बता दिया, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें C OH समूह क्या हो, उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें कार्बोनिल समूह, ये वाला कार्बोनिल है, और एक हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है, उपस्थित होता है। इतना में आपको परिचय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं, बट बनाने की विधि हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये परिचय हो गया। आगे है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। वर्गीकरण करते हैं, इससे पहले भी इस टाइप का वर्गीकरण कर चुके हैं, ठीक है, उसी टाइप का वर्गीकरण है, बस थोड़ा सा क्रियात्मक समूह चेंज है, बाकी सब वही है। तो पहला इसमें वर्गीकरण दिया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं भाई, जिसमें आपका OH जैसे C OH की संख्या, मोनो मतलब एक होता है, तो जिसमें C OH की संख्या कितना बार हो, एक बार हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें C OH की संख्या कितना होता है, एक होता है। जैसे यहाँ पर दिया है HCOOH में देखो OH की संख्या कितना बार है, एक बार है, इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। उसी प्रकार CH3COOH है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। एक CH3CH2COOH है, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। और एक होता है CH2CH2 और ये COOH है, इसमें 4 कार्बन है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये हमारे क्या देख रहे हैं आपके, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। सभी में देख रहे हैं आपका ये जो COOH की संख्या है वो कितना बार है भाई, एकक बार है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH की संख्या कितना बार हो, एक बार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कुछ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप नाम दिया गया है, फार्मिक, एथेनोइक, है ना, प्रोपेनोइक, और ये हमारा जो है ब्यूटेनोइक अम्ल। ये हमारे कैसे होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपका COOH की संख्या एक होता है, तो उतना इसमें रटने की बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये हमारा हो गया हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। आप बेंजीन में भी ले सकते हैं, बेंजोइक अम्ल होगा मान लो यहाँ पर, है ना।
बेंजोइक अम्ल होगा, ये बेंजीन है और इसमें यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, सी डबल ओ एच लगा दिए, तो ये बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक एसिड होता है। तो ये जो बेंजोइक अम्ल होता है ये भी हमारा क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसको हम लोग ले सकते हैं, है ना। और भी है हमारा जिसको आप ले सकते हैं, फिलहाल तो एक वाला है, तो इसे हम लोग जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत रखते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा हमारा दिया है डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई, ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें आपका जो सी डबल ओ एच है उनकी संख्या कितने बार होता है, दो बार होता है, और दोनों क्या होता है आपका उससे जुड़ा रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो बहुत सारा उदाहरण क्या कर सकते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। पहला तो हमारा होता है जैसे सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं इसको, है ना। इसमें आप देख रहे हैं सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच दो बार आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। और भी हमारा उदाहरण लिख सकते हैं जैसे एच एच सी सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच, मैलोनिक अम्ल बोलते हैं, मैलोनिक अम्ल कहते हैं, इसमें भी हमारा दो आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीक़े से इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और भी आप लिख सकते हैं बेंजीन वाला में, जैसे ये बेंजीन हो गया, ये सी डबल ओ एच हो गया, सी डबल ओ एच हो गया, यहाँ से सी डबल ओ एच हो गया, ये हमारा क्या होता है, टर्थैलिक अम्ल, टर्थैलिक अम्ल, टर्थैलिक अम्ल बोलते हैं, इसमें दो हमारा क्या है, सी डबल ओ एच है। और भी आप क्या कर सकते हैं इसमें बना सकते हैं भाई, ये बेंजीन हो गया, ये हो गया सी डबल ओ एच, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सी डबल ओ एच, इसका नाम होता है थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल, ठीक है, थैलिक अम्ल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सभी में क्या है, सी डबल ओ एच की संख्या दो बार है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत रखते हैं या डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, सिक्सिनिक अम्ल बोल सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे हैं जो डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है, तो परिभाषा उतना खास नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं। थर्ड नंबर है ट्राईकार्बोक्सिलिक अम्ल भाई, ट्राई मतलब तीन होता है, तो जिसमें सी डबल ओ एच की संख्या कितने बार हो, तीन बार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ट्राईकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है आपका सी एच टू सी डबल ओ एच, ये सी एच सी डबल ओ एच और ये सी एच टू सी डबल ओ एच, ये हमारा देख रहे हैं तीन बार इसको क्या किया गया है, दिया गया है, तीन बार है हमारा, इसमें ओ एच की संख्या कितने बार है भाई, हमारा तीन बार है, एक दो और ये तीन होता है, तो इसका नाम क्या होता है आपका, वन टू थ्री बोलते हैं, ये वन दे दें, टू दे दें और ये थ्री दे दें, तो नाम क्या हो जाएगा, वन टू थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, वन टू थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और सामने में तीन कार्बन है तो क्या बोल देते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन, तो पूरा नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है या कहते हैं। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कितने प्रकार का हो गया हमारा, तीन प्रकार का हो गया, कौन हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार, जो कि उतना वो नहीं कठिन नहीं है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो उतना में हमारा वर्गीकरण क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण। वैसे इससे पहले एल्डिहाइड जब पढ़ रहे थे तो इसका नामकरण हम लोग किए थे। वैसे नामकरण की दो विधियाँ होता है, आपको पता है, एक साधारण नाम होता है और एक आईपीएसी नाम होता है। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, साधारण नाम के पास क्या करते हैं, चलते हैं सामान्य नाम, जिसे कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं, इसके पास चलते हैं। और जनरली जो कॉमन नाम होता है, साधारण जो नाम होता है, या तो उस यौगिक के गुण के आधार पर रखा जाता है, उसके नेचर के आधार पर रखा जाता है, या तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है दो तीन के आधार पर रख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर रख सकते हैं, गुण के आधार पर रख सकते हैं। तो साधारण नाम जो है ज़्यादातर उनकी उत्पत्ति गुण इत्यादि के आधार पर रखा जाता है, तो उनको जैसा दिखते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही पढ़ा समझा जाता है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष पद्धति जो है उपयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको जैसे बता रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है। तो साधारण नाम की ओर हम चलते हैं, और जैसे इसकी दिखा गया है कि इस प्रकार का जो नाम होता है
वो लैटिन में ग्रीक शब्द में किए गए हैं, और इसका जो है आपका नामकरण प्राप्ति स्रोत या गुण के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। तो कुछ यौगिक हैं जिनकी उत्पत्ति प्राप्ति के आधार पर नामकरण करते हैं, जैसे एक हमारा होता है HCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मिक अम्ल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फार्मिक एसिड बोलते हैं। ये जो फार्मिक एसिड होता है HCOOH को फार्मिक एसिड कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ये हो जाता है HCOO और ये हो जाता है आपका OH, इसको ही फार्मिक अम्ल बोलते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है भाई, दोनों सही है, ठीक है। तो ये जो फार्मिक अम्ल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो लैटिन भाषा होता है उस लैटिन भाषा में जो रेड चींटी होता है ना, लाल जो चींटी होता है, इस लाल चींटी को क्या बोलते हैं, फार्मिका बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, फार्मिका कहा जाता है इसको। ये हमारा जो रेड चींटी होता है उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, फार्मिका बोलते हैं। और वो जो फार्मिका होता है उसमें ये जो अम्ल है वो पाया जाता है, क्योंकि ये जो अम्ल होता है उसी चींटी से प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है, फार्मिका है। इस वजह से इस अम्ल को हम क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कहाँ से मिल रहा है, उस चींटी से मिल रहा है, और उस चींटी का नाम क्या है, फार्मिका है। इसलिए उस चींटी के नाम के आधार पर, क्योंकि चींटी स्रोत हो गया तो उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, फार्मिक अम्ल पड़ा है। तो इसको आपको क्या याद रखना है, ये फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा हमारा, ये जो दिख रहा है HCOOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार एक होता है हमारा CH3, और यहाँ पर हम लोग एक COOH जोड़ दिए, अब दो कार्बन हो गया, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वेनेगर होता है ना, वेनेगर आपने देखा होगा, वेनेगर, ठीक है भाई। ये जो वेनेगर होता है, ये वेनेगर की अगर हम बात करें तो वेनेगर को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसीटम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एसीटम कहते हैं। वेनेगर को लैटिन में क्या बोलते हैं, एसीटम बोलते हैं। और चूंकि ये जो अम्ल है उसी में पाया जाता है, इसलिए उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ता है, एसिटिक अम्ल पड़ा है, है ना, क्या पड़ा है हमारा, एसिटिक अम्ल पड़ा है। इसलिए इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसको आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये कैसा अलग आ जाता है, वो इसको देख करके OH करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कार्बन के संयोजकता के आधार पर, ये एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा, जैसे पहले पढ़े हैं CH3CH2COOH, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं इसका नाम, क्या नाम बोलते हैं, प्रोपेओनिक अम्ल। तो CH3CH2COOH प्रोपेओनिक अम्ल बोलते हैं, प्रोपेओनिक अम्ल, प्रोपेओनिक एसिड कहा जाता है, इसको प्रोपेओनिक अम्ल बोलते हैं। चार वाला में हम चले जाएंगे तो ये क्या होता है आपका, CH3CH2CH2COOH होता है, और इसका नाम होता है आपका ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। क्योंकि ये जो हमारा चौथा नंबर वाला देखे हैं, जो मक्खन होता है, मक्खन को लैटिन में क्या बोलते हैं, ब्यूटेरम बोलते हैं, ब्यूटेरम कहा जाता है। मक्खन को लैटिन में ब्यूटेरम बोलते हैं, और ये जो एसिड है वो वहीं से मिलता है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ब्यूटेरिक एसिड पड़ा है। तो आप देख रहे हैं जितना भी हम लोग नामकरण किए लगभग सब क्या है, उत्पत्ति के आधार पर है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी से मिला, एसिटिक अम्ल वेनेगर से मिला, प्रोपेनिक अम्ल, ये चौथा हमारा क्या होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। तो इस तरीके से साधारण नाम किया जाता है, और इसको आपको याद रखना है किसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, किसको प्रोपेनिक अम्ल बोलते हैं, और किसको आपका ब्यूटेरिक अम्ल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप साधारण नामकरण कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी कर सकता है। एक चीज़ यहाँ से, सबसे जब एक हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, जैसे हमारा HCOOH है, और इससे एक हाइड्रोजन अगर प्लस के रूप में निकल जाए तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, HCOO- बचता है, इतना को फार्मेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फार्मेट कहते हैं, याद रखेंगे, जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फार्मेट हो जाता है, फार्मिक अम्ल से फार्मेट। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल से अगर क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एसिटिक अम्ल से ये एसीटेट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एसीटेट। इसी प्रकार से आपका CH3CH2COOH निकल जाता है तो प्रोपेरेट हो जाता है, और अगर CH3CH2
CH2 और COO माइनस हो जाए, ब्यूटेरेट हो जाता है। तो जैसे ही अम्लों से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो प्राप्त जो भी आयन होता है उसको ब्यूटेरेट, पेंटेरेट, हेक्सेरेट इस प्रकार से क्या कहा जाता है, नाम लिया जाता है। तो इस तरीका से साधारण जो नाम है उसका नामकरण किया जा सकता है। आपके बुक में और बहुत सारे हैं, आप चाहेंगे तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है बहुत सारा, ये देखो फार्मिक अम्ल हो गया है ना, लैटिन भाषा में लिखा है लाल चींटी जो शब्द है उससे लिया गया है, इसलिए इसका अर्थ आपको लिया गया है। फिर एसिटिक अम्ल का लिया गया है, एसिटम जिसको बोलते हैं, है ना। चौथा वाला ब्यूटेरिक अम्ल जो लिया गया है ये मक्खन से लिया गया है, है ना। तो ऐसे बहुत सारा इसमें दिया गया है। जैसे ये हमारा कैप्रोलिक अम्ल बोल रहा है, बकरे के चर्बी में पाया जाता है। ये हमारा सिक्सिनिक अम्ल होता है भाई इसमें। तो इस प्रकार से बहुत सारा आपके बुक में दिया गया है, चाहेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होते हैं हमारा साधारण नाम, जिसका जो है स्रोत के आधार पर क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। तो इस तरीका से आप साधारण नाम को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आईयूपीएसी ने जो आपको जो है प्रश्न पूछता है। आईयूपीएसी नाम बड़ा ही सरल होता है भाई, एक चीज़ हम आपको बता दें, आईपीएससी नेम बड़ा ही सरल होता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आईपीएससी नेम पढ़ते हैं सबका फार्मूला एक टाइप का होता है, खाली आपका जो है सफिक्स जो है चेंज होता है, बाकी तो वही एन और कार्बन की संख्या ही होता है। तो जितने भी आईपीएससी नेम हैं सब में वही रहता है, तो इसमें भी वैसे ही है। आईपीएससी नाम देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो इसमें आईपीएससी नाम जैसे हम लोग रूल्स करें तो यहाँ पर HRCOOH ये हमारा क्या है, मेन कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अलग बात है फार्मिक अम्ल थोड़ा अपवाद के श्रेणी में आ जाता है, बट ये रखते हैं। इसमें आपको सफिक्स लगाना है ओइक एसिड, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाना है आपको, ओइक एसिड, ये हो जाता है ओइक और ये हो गया आपका एसिड। तो आपको क्या लगाना है, सफिक्स में ओइक एसिड लगाना है, ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाई, सफिक्स होता है, इसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, ओइक एसिड। उसके बाद क्या लगाना है, उससे पहले आपको एन लगा देना है ना। जैसे ओइक एसिड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड दिखे आपको तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा, ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड को नहीं देखना है ना, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो यहाँ पर पहले क्या लगाएंगे, एन हो गया, और उसके बाद एल का लगा देंगे, जितना भी कार्बन होगा उसके आधार पर, है ना। अभी तो हमको कोई कार्बन नहीं दिख रहा है, हमने क्या लगा दिया, एल का। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्केन जो होता है ये प्रीफिक्स होता है, ये क्या होता है हमारा, प्रीफिक्स होता है। और ओइक एसिड क्या होता है, सफिक्स होता है। तो जितने भी आईपीएसी नामकरण करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ओइक एसिड क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, फिर सिंगल वन है तो एन, और सबसे सामने जो भी कार्बन की संख्या है उसको नाम को लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फार्मिक अम्ल को ही लेते हैं, HCOOH, तो इसका नामकरण करेंगे तो क्या लगाएंगे, पहले ओइक एसिड लगाएंगे, फिर सिंगल वन है तो एन लगाएंगे, कितना कार्बन है इसमें, एक, तो एक कार्बन है तो क्या लगा देंगे, मेथ। तो नाम क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड हो जाता है, पहला वाला ख़त्म। दूसरा वाला की बात करें, CHCOO और ये हमारा H हो गया, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ओइक एसिड लगाएंगे पहले, ठीक है। तो ओइक एसिड लगा दो भाई, ये हो जाता है हमारा ओइक एसिड, सिंगल बॉन्ड है, AHCN लगाते हैं, कितना कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों को जोड़ते हैं भाई, है ना, क्रियात्मक समूह वाला को भी जोड़ते हैं इसमें, तो नाम हो जाता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। थर्ड नंबर अगर चलते हैं तो CH3CH2COOH होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओइक एसिड कहा जाता है। कितने है हमारा, हमारा होता है एन, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है। इसी प्रकार आप चार चले जाए तो CH3CH2CH2COOH, तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, ये हमारा ओइक एसिड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड है एन लगाते हैं, चार कार्बन है तो ब्यूट लगा देते हैं, तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाता है। तो इस तरीका से ओइक एसिड लगा करके क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और भी आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, नामकरण किया जा सकता है। जैसे सी डबल क्या है हमारा, ओ एच है, सी डबल ओ एच है, तो इसका नाम क्या करेंगे, 1-2 कर देते हैं, 1-2, तो क्या बोलेंगे इसको, 1-2 दो बार है तो डाई, ये हो जाता है ओइक एसिड, तो 1-2 डाई ओइक एसिड, दो कार्बन है तो क्या लगाते हैं, एथ पेथेन, 1-2 डाई ओइक एसिड हम लोग बोल सकते हैं, है ना।
या 1,2-dieucacid बोल सकते हैं। तो इस तरीका से IPA सीरम किया जा सकता है। तो बस इसमें इतना ही करते हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ में डाउट रहता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट से करके क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं, बताया जा सकता है, बता सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। इसमें ओइक एसिड नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं जैसे शुरू में हम लोग देखे थे, जैसे CH2COOC और ये हमारा CH2COOC। अगर आपको तीन वाला दिखे तो आपको इसको क्या करना है, जैसे 1, 2, 3 अगर इसकी बात करें तो 1, 2, 3 ट्राई वाल है, तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीन कार्बन है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्रोप लगा देते हैं और एल लगा देते हैं, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो जितना हमारा क्या होता है, हमारा आपका तीन वाला होता है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ा जाता है। तो इस तरीका से IPC नामकरण किया जा सकता है। लंबा लंबा भी है, बस वही एसिड लगाना। ठीक है, तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, IPC नाम कर सकते हैं। ये हो गया आपका नामकरण। चलिए अब हम थोड़ा आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आगे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में समवायता, वैसे समवायता हम लोग पढ़ चुके हैं। समवायता जो होता है क्या होता है भाई, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समवायता कहलाते हैं। समवायता दो प्रकार का, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। संरचनात्मक समवायता जिनमें यौगिक अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे हम लोग संरचनात्मक समवायता कहते हैं। और संरचनात्मक समवायता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ प्रकार दिया गया है, जैसे श्रृंखला समवायता है ना। आपको पहले से पता है कि श्रृंखला जो समवायता होता है, इस श्रृंखला समवायता में अगर हम बात करें तो यौगिक का जो अणुसूत्र होता है वो समान होता है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र जो होता है, इस संरचना सूत्र में उनके जो क्या होते हैं, कार्बन की स्थिति आपको क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 हो गया, C5 ले लेते हैं, C5 और यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं C5, ठीक है, तो 5 हो गया, 5×10 और अगर 11 लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है, 5×10 और 2×12 और ये हमारा O हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये हमारा अणु सूत्र है। अगर इसका हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र बना देते हैं, क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH दिया है, 3×2=5, 5×2=7, 7×2=9, 9×1=10 ज़्यादा हो गया क्या हमारा, देखो 3×3=6, 6×2=8 और 3×3=5, 5×5=10 हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से इसको हम लोग क्या जो है कर देते हैं, इसको अगर C5 दिया है और उसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग H9OH अगर करते हैं तो उचित नहीं लग रहा है हमारा, ठीक है, तो C5 5×10 हो जाता है और O2 कर देते हैं। ठीक है, तो अणुसूत्र इसका देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH होता है। तो देखो 3×2=5, 5×2=7, 7×2=9=10 हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है, कितना कार्बन है हमारा, ये 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। तो 5 को क्या बोलते हैं भाई, पेंट बोलते हैं, पेन है तो ओई और ये हो जाता है ओइक एसिड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटेरिक अम्ल, है ना, पेंटेरिक एसिड हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पेंटेरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरा तरीका से लिखें तो दूसरा तरीका में क्या होता है, CH3 ये हो जाता है आपका CH2 और यहाँ पर CH करते हैं और यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं CH3 को जोड़ देते हैं, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका COOH कर देते हैं। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं, इस स्थिति में क्या हो जाता है आपका 1, 2, 3 और ये 4 हो जाता है, तो 2 में मिथिल समूह की स्थिति चेंज हो गया। पहले हमारा क्या था, वो चैन के रूप में था, अब ब्रांच के रूप में आ गया। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है कि किस प्रकार से क्या होता है, ये देखने को मिलता है। तो ऐसे यौगिक जिनके हमारे क्या होते हैं अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं,
लेकिन संरचना सूत्र में कार्बन की स्थिति आपको क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में जो समवायता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं, श्रृंखला समवायता कहा जाता है। तो इस तरीका से आप बता सकते हैं, जैसे इन दोनों यौगिक का हमारा अणु सूत्र ये है, बट संरचना सूत्र में आप देख रहे हैं इसमें चेन के रूप में है, शाखा के रूप में आ जाता है, मतलब कार्बन की स्थिति क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। तो वहाँ पर जो समवायता होगा उसे श्रृंखला समवायता कहते हैं, और ये दूसरे के क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। तो इस तरीका से श्रृंखला समवायता को बता सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम क्रियात्मक समवायता की बात करें तो क्रियात्मक समवायता में ना यौगिक का अणु सूत्र समान होता है, बट संरचना सूत्र लिखते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह को क्या करता है, दर्शाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समवायता कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अणु सूत्र की बात करते हैं, अणु सूत्र फिर वही वाला ले लेते हैं, चलो C5H10 और O2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, अणु सूत्र है। अब इसका अगर हम संरचना सूत्र बनाएं, क्या बनाएं, संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र में क्या होता है भैया आपका, ये जैसे CH3 CH2 CH2 और CH2 और C OH ऐसा दिया है। इसका नाम क्या होता है, पेंटेरिक अम्ल लिख देते हैं, पेंटेरिक एसिड बोल सकते हैं। अब इसी को अगर हम एक और बनाएं दूसरा नंबर, जैसे CH3 CH2 CH2, ठीक है, और ये हम लोग कर देते हैं COO, और इधर कर देते हैं CH3, ठीक। थोड़ा सा देखते मिला के 3 3 6 6 4 10 हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, ठीक है, बन गया हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 10 2 3 2 5 5 2 7 7 3 10 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एस्टर को शो कर रहा है हमारा, है ना, इसको प्रोपिल एसीटेट बोल सकते हैं, प्रोपिल एसीटेट। तो ये हमारा एस्टर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा अलग क्रियात्मक समूह, ये हमारा अलग क्रियात्मक समूह। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र में अलग अलग क्रियात्मक समूह को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समवायता के नाम से जानते हैं, क्रियात्मक समवायता कहा जाता है। तो इस तरीका से आप क्रियात्मक समवायता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। वैसे ही स्थान समवायता होता है भाई, स्थान समवायता मतलब क्या होता है, जिनमें आपका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन जो है COOH की जो संख्या है या क्रियात्मक समूह की स्थिति है वो चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान समवायता के नाम से जानते हैं, स्थान समवायता कहा जाता है। वैसे प्रकाशीय समवायता होता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होता है, तो इसको करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उतना करके छोड़ दिए, ये हमारा समवायता खत्म हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियाँ, क्या बनाने की, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की देखना है हमको, सामान्य विधियाँ आपको देखना है। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की क्या देखना है हमको, सामान्य विधियाँ देखना है। तो सामान्य विधियाँ में लगभग इस टाइप का पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है आपको पता चल गया है, तो इसको बनाने की सामान्य विधियाँ हैं, ये सब विधियाँ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, भाई रिपीट कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। पहला हमारा प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, है ना, प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल, तो RCH2 और ये होता है हमारा OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम क्या करें, ऑक्सीकरण करें, जैसे इसके उपस्थिति में KMnO4 है ना, के उपस्थिति में, है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, या K2Cr2O7 भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए हम K2 ले लेते हैं, K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, साथ में क्या होता है डायलूट H2SO4, पहले देख चुके हैं सबके सबको ना। तो इसके उपस्थिति में अगर हम क्या करें, ऑक्सीकरण करें, तो जानते हो यहाँ से H2O निकल जाता है हमारा, यहाँ से H और यहाँ से O क्या निकल गया, यहाँ से H2O क्या हो गया आपका, निकल गया। तो इसको हम लोग यहाँ नीचे कर देते हैं H2O को, ये माइनस में क्या हो गया हमारा, H2O निकल गया, तो क्या बचा है हमारा, R बचा, C OH बचा, और ये बचा H, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। अब एल्डिहाइड का पुनः क्या हो जाता है हमारा, ऑक्सीकरण हो जाता है, और इस तरीका से RCOOH जिसका नाम क्या होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, प्राप्त हो जाता है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये पढ़ चुके हैं, छोड़ते हैं तो आपको वो लगता, इसलिए कर दिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। बाहर की जगह रख दिए CH3, ये हो जाता है हमारा CH2, ये हो जाता है आपका OH, एथिल एल्कोहल हो जाता है। अब क्या नाम हो गया इसका, नाम एथिल एल्कोहल। अब इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं, इनकी उपस्थिति में K2Cr2O7+dilute H2SO4, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O निकल गया, तो ये हो जाता है CH3, ये हो जाता है आपका CH3C(O), और ये हो जाता है H, इसका नाम होता है एसीटिल्डिहाइड बोलते हैं, और इसका अब हम लोग करा देते हैं तो CH3C(O) और H एसीटिक अम्ल कहा जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से आप पहले क्या कर सकते हैं, जो है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। तो पहला विधि क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया, कुछ नहीं रखा है उसमें। दूसरा है एल्किल बेंजीन जो होता है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण करा सकते हैं, ऑक्सीकरण करके क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। चलिए एल्किल बेंजीन देखते हैं, पहले जैसा ही है, अभी जैसे किए हैं, ये हमारा होता है बेंजीन, है ना, ये बेंजीन है, और यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए एल्किल समूह, मतलब ये टालविन हो गया, इसका नाम क्या होता है, टालविन। अब ये टालविन को हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा भाई, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक समूह निर्मित करता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये हो गया, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है, CHO बन जाता है, एल्डिहाइड है। इसका आगे हम क्या करेंगे, अगर ऑक्सीकरण करेंगे फिर से, तो हमारा क्या हो जाता है, फाइनली जो हमको COOH क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है हमारा, बेंजोइक अम्ल होता है। क्या होता है हमारा, इसका नाम बेंजोइक अम्ल होता है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राथमिक द्वितीयक जो एल्किल है समूह भी इसी प्रकार के ऑक्सीकृत होकर के तृतीयक समूह होता है। तो इस तरीके से हमने टालविन लिया, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया, एल्डिहाइड बना, और इस तरीके से आपको यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो उतना खास नहीं है, इतना काफ़ी है इसमें। आगे है हमारा नाइट्राइलों से, किससे हमारा, नाइट्राइलों से देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो नाइट्राइल का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है जल अपघटित करेंगे तो जो है यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। नाइट्राइल किसको बोलते हैं भाई, जिसमें CH समूह हो, जैसे यहाँ पर CH3 और ये क्या है हमारा CN, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेथिल साइनाइड, मेथिल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो CH3C123 मेथिल साइनाइड बोलते हैं, इसका नाम मेथिल नाइट्राइल भी कहा जाता है, मेथिल साइनाइड लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका जल अपघटन करें अगर, तो जल अपघटन मतलब H2O, और H2O मतलब होता है हमारा, ये होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है, प्लस और माइनस, ये अगर एक टान खींच लिया तो इसमें माइनस चार्ज है और इसमें कौन सा आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो यौगिक क्या बनेगा देखो जरा, तो ये हमारा हो जाता है CH3, फिर क्या हो जाएगा आपका C के साथ कौन जुड़ जाएगा आपका H, और एक हो जाएगा OH। ऐसे करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ ना करके डायरेक्ट ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है, और यौगिक बनाते हैं। कैसे, ये हो जाता है आपका H2O, इसको माइनस करते हैं और इसको प्लस करते हैं, ठीक है। अब प्लस वाले को किसके साथ जोड़ते हैं, माइनस, और इसके साथ होता है प्लस, तो CH3 और ये C(O) हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस जुड़ गया, और यहाँ आपका क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है और दो हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं थेनामाइट, ये थेनामाइट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एसिडामाइट भी बोल सकते हैं, बट एथेनामाइट बोलना ज़्यादा अच्छा है, एथेन, ठीक है, एथेनामाइट, दो कार्बन है, एथेनामाइट बोलते हैं, एथेनामाइट, ठीक है। अब इसका आगे हम पुनः क्या कर देते हैं, जल अपघटन कराते हैं ना, जल अपघटन मतलब H2O, तो इसमें आप तोड़ सकते हैं, इस बार आप प्लस माइनस तोड़ सकते हैं,
ए आ जाता है आपका प्लस, ए हो जाता है आपका माइनस, है ना। और यहाँ से भी आप तोड़ दो, कौन सा नाइट्रोजन वाला माइनस होता है और ये हमारा क्या होता है प्लस होता है, ऐसा करके, ठीक है। अब बन गया हमारा OH को किसको दे दो, कार्बन वाला को दे दो, तो ये आ जाएगा CH3, सी डबल वन ओ हो जाता है और इधर क्या होता है OH हो गया, क्योंकि प्लस है तो माइनस जुड़ गया और अमोनिया यहाँ से क्या हो जाता है आपका रिलीज हो जाता है। और इस तरीका से आपको एसिटिक एसिड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से हमने क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, कहाँ से नाइट्राइलों के जल अपघटन से। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, ओके। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई, RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं संयोजकता के अनुसार। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्रिया करा देते हैं RMG और X, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका नाम क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जानते हैं इसमें कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल गया होगा ये माइनस होता है ये प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बंद आसानी से टूट जाता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है, कोई भी खींचो तो वहाँ से आपका बन जाता है। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से खींचता है, किधर से भी खींचो, मान लो इधर खींच लिया तो कौन सा चार्ज है माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है प्लस चार्ज आता है। अब जोड़ दो, क्या जोड़ देते हैं यहाँ से, ये हो जाता है आपका O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड O हो जाता है। O हमारा माइनस है तो माइनस के साथ कौन जुड़ जाता है हमारा, प्लस जुड़ जाता है। तो इसको ऐसा ना करके हम ऐसे कर देते हैं, O डबल बॉन्ड C, ये हमारा C के साथ हमारा क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा हमारा MG, और ये हो जाता है X। फिर ये प्लस है तो क्या जुड़ जाता है इसके साथ, R क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक माध्यमिक यौगिक बन जाता है। अब इसका आगे हम क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जल अपघटन मतलब H प्लस आयन और OH क्या होता है आपका माइनस आयन होता है, ठीक है। अब बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ से माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। अब देखो ये जो प्लस वाला है उसको माइनस को दे दो तो क्या बन जाता है, R, फिर ये C डबल वन O, ये इतना तो पहले से है, देखो R C डबल वन O पहले से है, और यहाँ से H आके जुड़ जाता है, बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो जाता है MgX, ये क्या हो जाता है हमारा OH। तो इस तरीका से आप क्या हो जाता है हमारा यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा हो गया किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीका से भी क्या किया जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। R की जगह जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा काम क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया, ओके, ठीक। ये हमारा एक और बनाने की क्या हो गया, विधि हो गया। और भी है, सोडियम एल्काऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम गर्म करके भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, सोडियम एल्काऑक्साइड, एल्काऑक्साइड बोलते हैं R और O को एल्काऑक्साइड बोलते हैं भाई। और इसके साथ अगर हम सोडियम रख दें तो क्या हो जाता है हमारा, सोडियम है। और इसके साथ अगर हम कार्बन, जो क्या होता है हमारा मोनोऑक्साइड के साथ, अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से भी क्या हो जाता है हमारा, जो लवण प्राप्त होता है, तो क्या बनता है उसको देखते हैं। और उसके बाद फिर जल अपघटन कर देते हैं, अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, तनु खनिज अम्ल की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सोडियम एल्काऑक्साइड कहते हैं। और इस सोडियम एल्काऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ क्या करते हैं, अगर क्रिया करा देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और सोडियम लवण प्राप्त होता है। मतलब ये CO जाके जुड़ जाता है तो R हो जाता है, और ये CO हो जाता है, और ये ONa जाके जुड़ जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं इसका नाम, सोडियम कार्बोक्सिलेट कहते हैं।
अब ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है इसको आगे हम क्या करते हैं HCl के साथ क्या करते हैं क्रिया करा देते हैं। इस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये आपका यहाँ से माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये प्लस होता है और माइनस होता है, तो क्या निकल जाता है यहाँ से NaCl निकल जाता है और इस तरीका से RCOOH इसका नाम क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से भी क्या किया जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीका से हमने क्या कर लिया भाई, देख लिया R की जगह जो रखना है आप देख सकते हैं, रख सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा क्या होता है प्राप्त हो जाता है। आगे हमारा दिया है एल्किनों के कार्बोक्सिलीकरण से भी क्या कर सकते हैं आप, इसको बना सकते हैं। तो कैसा होता है, किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखते हैं क्या है कैसा है। तो यहाँ से एल्किन ले लेते हैं, हमारा एल्किन का फार्मूला क्या होता है जिसमें डबल बान हो उसको एल्किन बोलते हैं। हम लोग एथीन ले लेते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीका से हम लोग देखें इसको हम लोग करते हैं CO, साथ में हमारा क्या ले लेते हैं H2O, H2O के साथ इसको जब हम क्या करते हैं क्रिया कराते हैं तो कुछ यौगिक क्या हो जाता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। कैसे, ये आपको पता है H प्लस आयन में टूटता है और OH क्या होता है माइनस आयन में ये टूट जाता है। अब यहाँ से अगर हम प्लस माइनस की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कौन सा चार्ज माइनस और इस पर कौन सा आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो जोड़ देते हैं डायरेक्ट, फिर आपका यौगिक तो बन ही जाता है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाता है ये CH3 ले लेते हैं, फिर इसके बाद सिंगल बान क्या बचता है हमारा CH2 बचता है और ये हम लोग CO को इसी के साथ जोड़ देते हैं और ये OH बचा है हमारा तो OH भी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से प्रोपियोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इजी आप क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं। यदि हम क्या करते हैं एथिलीन होता है हमारा, एथाइलिन होता है, इस एथाइलिन को कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ क्या करते हैं हम लोग, ये कुछ अम्ल है फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में अगर आप क्या करते हैं क्रिया करा देते हैं, क्रिया कराने से आपको क्या हो जाता है प्रोपियोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को कोच अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, कोच अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें कुछ टेम्परेचर भी है भाई, 573 से लेकर के कितना है हमारा 673 केल्विन। तो इस तरीका से ये आप एल्किनों के कार्बोक्सिलीकरण से भी क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, पूछता उछता नहीं है आपका, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। मेलोनिक एस्टर से आप क्या कर सकते हैं जल अपघटन करा के प्राप्त कर सकते हैं। मेलोनिक एस्टर क्या होता है, मेलोनिक अम्ल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होता है कैसा होता है और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा H है और ये हमारा H है, ये COO ये दिया गया है COO और यहाँ पर क्या कर देते हैं अगर हम C2H5 ये हमारा क्या हो जाता है एक मेलोनिक एस्टर है। इसका हम क्या करते हैं अगर जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन मतलब क्या होता है हमारा, तो H और OH के साथ क्रिया करा दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा भाई हमारा, यहाँ से इस प्रकार से अगर करें तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा आपका 2C2H5OH निकल जाता है और ये हमारा दो मात्रा ले लेते हैं माइनस, तो क्या बच गया हमारा H हो गया C हो गया, ये COOCOOH हो जाता है और ये COOH हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यौगिक कर दिए, जल अपघटन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको जब हम गर्म कर देते हैं तो यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा, ये हो जाता है H है ना, H मतलब CH3 बचा कुल मिला के, ये CH2 है CH3 है और ये COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया एसिटिक अम्ल हमने प्राप्त कर लिया। तो ये एक तरीका है जो कि मेलोनिक एस्टर होता है हमारा, वहाँ से क्या कर सकते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आसानी से यहाँ से बताया जा सकता है। आगे है हमारा
डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो बी कार्बोक्सिलिकरण हो जाता है और हमको जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। बी कार्बोक्सिलिकरण मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे ले लेते हैं, कई है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे मेलोनिक अम्ल ही ले लेते हैं अगर एच सी, ये हो जाता है एच सी डबल ओ एच और ये हमारा होता है सी डबल ओ एच। इसका वी कार्बोक्सिलीकरण कराएं, वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। तो वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा रिलीज हो गया, तो बचा क्या हमारा सी एच थ्री, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री हो गया सी डबल ओ एच, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या है मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक एसिड कहते हैं। तो मेलोनिक एसिड लिए, बी कार्बोक्सिलीकरण कर दिए, सी ओ टू निकल गया, फिर सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस तरीका से इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। एल्केनों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से भी आप बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्केनों के क्या बोल रहा है, ये हमारा आर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सी है, और सी के साथ हमारा तीन हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसी को तो बोल रहा है वो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। एल्केन था पहले ये, है ना, तीन हाइड्रोजन इसके साथ था, तीनों हाइड्रोजन को क्या कर दिया, तीन हेलोजन रिप्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। अब इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जल ही ले, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो इसका मात्रा हम तीन लेते हैं क्योंकि तीन प्लस और तीन ओ एच माइनस बनाएगा, क्योंकि ये सब माना है माइनस है, तो तीस के चक्कर में तीन लिए, तो तीन के चक्कर में क्या हो जाता है हमारा थ्री एन ए, और एक्स क्या हो जाता है यहाँ से बाहर निकल जाता है, थ्री है तो थ्री एन ए, प्लस वाले को पहले लिखते हैं माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, तो इस प्रकार से थ्री और क्या हो जाता है एन एक्स समाप्त हो जाता है। अब तीन ओ एच जुड़ जाता है तो आर सी इधर हो जाता है ओ एच, इधर हो जाता है ओ एच और इधर हो जाता है ओ एच। अब ये ज़्यादा समय के लिए जो है ये ऐसा नहीं रहता है, ये अस्थाई होता है, तुरंत क्या हो जाता है जल अपघटित हो जाता है भाई। जल अपघटित मतलब यहाँ से आपका इस प्रकार से क्या निकल जाता है आपका एच टू ओ बाहर निकल जाता है, तो बनेगा क्या एक आर बचा है, एक बचा है हमारा सी, सी के साथ बचा है डबल वन ओ और इसी के साथ क्या बचा है आपका ओ एच। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरीका से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है किससे, एल्केनों के हमारा जो क्या होता है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है, जल अपघटन होता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक और, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण, भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण उतना खास नहीं होता है भाई, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। भौतिक गुण की बात करते हैं अगर, तो पहला है अवस्था या गंध। अवस्था वही शुरू वाला है कि प्रथम जो तीन सदस्य होते हैं ये रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनिक अम्ल, ये द्रव अवस्था में होते हैं और तीक्ष्ण गंध वाला होते हैं। अगले तीन सदस्य जो होता है मतलब छः तक के सदस्य में बकरी के जो मक्खन होता है ऐसे एक अरुचिकर गंध आता है, एक प्रकार का तेली द्रव होता है, और सबसे उच्चतर जो सदस्य होते हैं वो उसमें कोई गंध नहीं होता है और वो मोम के समान क्या होता है आपका ठोस होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के तीन सदस्य आपका क्या है द्रव है, बाद के तीन सदस्य आपका क्या होता है हमारा वो भी तेली द्रव है, और सबसे उच्चतर सदस्य जो होता है आपका वो क्या होता है आपका ठोस अवस्था में क्या होता है पाया जाता है, और ध्रुवी प्रकृति होता है, इस वजह से इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण एरोमेटिक जो होता है ये रंगहीन गंधहीन क्रिस्टली होता है। तो ये अवस्था हो गया। विलयता की बात करें तो प्रथम चार सदस्य,
है ना, जल के साथ आसानी से घुल जाता है। वजह ये होता है क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाता है, हमारा हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनता है तो क्या हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। उच्चतर सदस्य नहीं घुलते हैं, वजह ये होता है कि वे पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, इस वजह से उच्चतर सदस्य जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन वो एल्कोहल में और ईथर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील है कैसे, तो बता सकते हैं भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में क्या होता है, हमारा घुलनशील होता है। और इसका वजह यह है कि ये जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसलिए जल में घुलनशील होते हैं। कुछ सदस्य जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, वो इसलिए अघुलनशील होते हैं क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, तो इस कारण से क्या हो जाते हैं, वो अघुलनशील होते हैं। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बता सकते हो। इनमें से एक बार ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है हो सकता है, तो उसके कई रीजन हम लोग बताए हैं, तो उसको आप रीजन को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्ली प्रकृति, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्ली प्रकृति कैसे करते हैं भाई, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसकी जो अम्ली प्रकृति होता है, इस अम्ली प्रकृति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जल में घोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हो जाता है R C डबल O और ये हो जाता है H। जब इसको हम लोग जली माध्यम में घोलते हैं तो आपको पता है कि जो जली माध्यम में क्या करता है, H प्लस आयन देता है, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, जैसे ही जली माध्यम में घोलते हैं, जल भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है, जल ही ले लेते हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका H2O हो जाता है। तो इसके साथ अगर हम करें तो यहाँ से आपका ये जो H है वो प्लस वाला होता है, ये हमारा क्या होता है, प्लस वाला होता है, और ये इसके पास लोन पर आप इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये लोन पर आप इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा देता है, मतलब उसको अपने साथ मिला लेता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा CrCOO माइनस, ये कार्बोक्सलेट आयन प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सलेट है ना आयन बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त हो जाता है, और साथ में हमारा H3O प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो जाता है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है, ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या करता है, अनुनाद के द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्वता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कौन, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। अगर यहाँ से आपका क्या होता है, आपका ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो एक स्थिति निर्मित होता है R, और ये हो जाता है C, ये माइनस चार्ज इसमें आ गया और डबल बॉन्ड इसमें आ जाता है। फिर से हमारा क्या होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और प्रोसेस क्या होता रहता है, आपका चलता रहता है। तो ये क्या हो गया आर, ये सी ओ हो गया, माइनस हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया। अभी पुनः अपने पुरानी स्थिति में जब क्या होता है, वापस आता है, तो वापस आने की वजह से क्या हो जाता है, आपका इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। तो ये दोनों में क्या पाया जाता है, अनुनादी संरचना पाया जाता है, और अनुनादी संरचना के कारण क्या होता है, ये स्थायित्वता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय गुण है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में जो बाकी का जो टॉपिक बच गया है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।